हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। आओ मैं अपना आपको आज सिटी टूर लुधियाना का करवाता हूँ। मैं अपनी सोसाइटी से अभी ही निकला हूँ और अपना आज लुधियाना का छोटा सा सिटी टूर करवाता हूँ और आप भी मेरे साथ चलें। सो गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया। तो गाइस, मेरे को आप कमेंट में लिख के बताएं कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ और अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को बोलें कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि मेरी आने वाले ट्रैवल ब्लॉग आपको अपडेट होती रहे। तो जाने से पहले जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके लिए मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ शॉपिंग करने चलिए और मैं क्या क्या लेने जा रहा हूँ तो आपको मैं बताऊँगा। तो जल्द से जल्द कमेंट करना स्टार्ट करें कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, और जो भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगा तो उसको उसका मैं ब्लॉग में अपने नाम और उसका थैंक्स जरूर करूँगा। फ्रेंड्स, अभी हम बाईपास चौक में, जलंधर बाईपास चौक है जो लुधियाना वाला, वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जब आप जलंधर से आएंगे तो ये लुधियाना का फर्स्ट चौक है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये लुधियाना का लास्ट चौक है। सो अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप सीधा, ये जा रहा है रोड हमारा दिल्ली की तरफ और हमने लुधियाना सिटी की तरफ जाना है, तो राइट हैंड पे यहाँ से मुड़ेंगे और मुड़कर लुधियाना सिटी की तरफ चले जाएंगे। सो दोस्तों, दिल्ली जैसा ट्रैफिक लुधियाना में भी है। ये ओल्ड सब्जी मंडी चौक है हमारे, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा है, ये हमारी लेफ्ट हैंड पे सब्जी मंडी है, सब्जी की ये दुकानें यहाँ पे होती थी पुरानी पर अब बहुत कम। तो यहाँ पे बहुत रश रहता है, जैसे दिल्ली में बहुत रश रहता है यहाँ भी बहुत रश रहता है हर टाइम। और ये हमारा यहाँ का बहुत पुराना गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिंह सभा पुरानी सब्जी मंडी लुधियाना का। तो गाइज, आप देख सकती हैं कितना रश है सामने। हमेशा ये रश ऐसे ही रहता है, सिर्फ दिन में थोड़ा बहुत इस रोड में शांति आती है पर अमूमन यहाँ पे रश रहता है। देखिए, तो ये हमारा जो नेक्स्ट चौक है पुरानी सब्जी मंडी के आगे, ये माता शीतला माता मंदिर, प्राचीन माता मंदिर ये हमारा है। सो ये जो है पवेलियन चौक है जी, और मेरे लेफ्ट पे फाउंटेन चौक का रास्ता ही ये वाला, इस साइड पे फाउंटेन चौक है और ये जो हमारा ये रास्ता जा रहा है ये डीएमसी हॉस्पिटल के लिए सीधा चला जाता है। तो मोहन बेकरी आ गई है जी हमारी लुधियाना में, अभी खुल गई है। ये अम्बाला वालों की थी और अब ये हमारी, हम जा रहे हैं शर्मन स्वीट्स वालों के यहाँ। शर्मन वालों
क्योंकि पहले पार्किंग है, बहुत बढ़िया है, आओ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या लेना मैंने जब जाना है। आइए। सो दोस्तों केक्स हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे गिफ्ट पैक्स लगे हुए हैं और ये स्पेशल मिठाई है, अमरती है, पंजीरी है, हर चीज़ स्पेशल है इनकी, खाने के लिए बहुत बढ़िया है। और मैं लूँगा यहाँ की चना बर्फ़ी, बहुत स्पेशल है चना लड्डू और चना बर्फ़ी। तो गाइस यहाँ पे हर चीज़ प्योरिटी में है और फ्रेश मिलती है, तो आएँ आप भी कभी भी यहाँ पे आके इनसे लेके जाएं। और गाइस इन्होंने ये मेरे को दिए हैं टेस्ट करने के लिए, मैं टेस्ट करूँगा ज़रूर। बेकरी पे और ये बहुत अच्छी बेकरी है, अम्बाला की मशहूर बेकरी है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ बच्चों के लिए मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स देखो हमारी लुधियाना की मार्केट, ये कॉलेज रोड है, बहुत बढ़िया रोड है हमारा ये, और आप देखें ब्रांडेड है हमारी कार आ गई। और सो दोस्तों शॉपिंग हो गई, चना बर्फी ले ली मोहन बेकरी वालों से, इनके स्विस रोल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं जब जाता था अपनी बुआ के घर अम्बाला तो मेरा ये फेवरेट है स्विस रोल इनका, तो मैं स्विस रोल इनके इनसे अभी लेके अपने घर जा रहा हूँ। तो ये सामने सीधा जो रोड है ये हमारा फाउंटेन चौक आगे आएगा, देखना गाइज किसी फॉरन से कम नहीं हमारा लुधियाना। तो ये सामने फाउंटेन चौक है और फाउंटेन चौक पे ये बिल्कुल सामने बसंत आइसक्रीम वालों की शॉप है, बसंत रेस्टोरेंट है, इनका भी खाना बहुत 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 टेस्टी है, रीजनेबल रेट है इनका। तो यहाँ पे भी बहुत क्राउड होता है, जैसे दिल्ली गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में आपको जाम मिलता है, यहाँ पे भी बहुत जाम है। तो ये सामने हमारा ये आइसक्रीम पार्लर है बसंत वालों का, ऊपर रेस्टोरेंट है, खाना इनका बहुत अच्छा है, टेस्टी है। ये जो अब लेफ्ट पे है ये हमारा यहाँ का पवेलियन मॉल है, पीवीआर है, इसमें फूड कोर्ट है, अच्छा देखने में अच्छा है। मैं शिव चाट के यहाँ आया था और ये यहाँ की चाट बहुत फेमस है, ये ट्रेडिशनल जो है ना पत्तों में देते हैं और बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी है, आप आए और खाएं। इस चाट बहुत टेस्टी थी। तो मटर कुलचा अब इनका मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, मटर कुलचा बहुत टेस्टी है, इस पे मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा खाने की, पर खाना जिनका टेस्टी है मैं बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आप भी आके खा सकते हैं, जो लुधियाना के बाहर रहते हैं
मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो मैं इसलिए यहाँ के लुधियाना की स्पेशलिस्टी चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके खाएं जो मेरे को अच्छा लगता है। इनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं इनकी किसी भी पर्टिकुलर दुकान की कोई भी मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। आप ये दिल में ना लेके जाएं कि ये मेरे को इन्होंने कुछ दिया है या खाने के लिए फ्री दिया है, मैंने पैसे खर्चे हैं। सो मैं इसलिए इनको दुकान के बारे में, इनकी शॉप के बारे में बताता हूँ कि इनका खाना अच्छा है। जो शिव चाट वालों की चाट बहुत अच्छी है, मटर कुलचा मैंने खाया वो अच्छा है, मैंने जो आपको पहले बताया था जहाँ पे बर्गर और जो फ्रेंच फ्राइज उनके अच्छे थे, जिनके खाना अच्छा है मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा और आपको अपडेट करूँगा। पर मैं किसी की शॉप की मैं प्रमोट नहीं करता, तो सॉरी। मैंने गाइस बेल्ट नहीं लगाई, ये बैड मैनर्स हैं। ड्राइविंग करते समय हमेशा अपनी सीट बेल्ट लगाएं और आप हमेशा सेफ रहें और दूसरों की को भी आप सेफ रखें। सो सोसाइटी में पहुंच चुका हूं। आज का मेरा शॉपिंग वाला व्लॉग का आपको कैसे लगा है आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।